फ्रेंड्स, दिस इज स्वयं महाजन फ्रॉम EME टेक्नोलॉजीज। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड वर्क्स के ऊपर है। सॉलिड वर्क्स पे आज हम शीट मेटल प्रोसेसिंग करेंगे। लास्ट टाइम हमने फीचर्स के ऊपर काम किया था, आज हम शीट मेटल पे प्रोसेसिंग करेंगे। इसका बेसिकली पर्पस क्या है शीट मेटल का? एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है। इसमें हम कोई भी जो हमें बेंडिंग पार्ट्स बनाने हैं, कुछ जो कंप्रेसिव फोर्सेस लग के जो पार्ट के अंदर कुछ जो डिफॉर्मेशन आती है उसको चेकआउट करते हैं। मीन टू से शीट मेटल, अगर मैं बात करूं तो ये मेरी एक शीट है, दिस इज माय शीट। इसको मुझे बेंड करके ऐसा बनाना, तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री बेंड पे। तो क्या होगा, ये शीट होगी, इस पर आके एक पंच स्ट्राइक होगा, पंच। तो पंच में क्या होगा, एक ऐसी कैपेसिटी होगी कि वो इसको बेंड होने पे इसकी टेंडेंसी क्रिएट कर देगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारा सेशन सॉलिड वर्क्स पे शीट मेटल का। शीट मेटल की और भी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे स्टैम्पिंग, क्वाइनिंग, फर्दर और प्रोसेसेस होते हैं। जो आपके जो CPU के कैबिनेट होते हैं वो शीट मेटल प्रोसेसिंग में बनते हैं। तो ये यहाँ मैंने सॉलिड वर्क्स ओपन कर लिया, यहाँ न्यू पे जाके यहाँ इसको मैं एक रेक्टेंगल दिया। अब इसको मैं डिमेंशन दे रहा हूँ। फिर शीट मेटल पे जाके बेस फ्लेंज मैंने किया और इसको थिकनेस दे दी 3 mm। यूजली शीट मेटल में हमारी अप टू 6 mm तक होती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा हो गया। नेक्स्ट है अब इसमें कन्वर्ट टू शीट मेटल। कन्वर्ट टू शीट मेटल बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने सॉलिडवर्क्स हमारा एक इंटरचेंजेबल सॉफ्टवेयर है। अगर मैं फीचर्स में काम करूँगा तो वो मेरा ऑटोमेटिकली शीट मेटल में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन टूल। उसका पर्पज़ क्या है, 3 mm मैंने किया, लाइक जस्ट आई एम गिविंग अ कॉन्सेप्ट। ये देखिए 3 mm मैंने इसको एक बॉस एक्सट्रूड बना लिया। अब मैंने क्या किया, शीट मेटल में गया, कन्वर्ट टू शीट मेटल करके फेस पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया। तो ये मेरा शीट मेटल पे हो गया। इसको करने का पर्पस है कि जो ये जो टूल हैं ये सब इस पर अप्लाई हो सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट फीचर से बात या इस पर एच फ्लेंज लगाऊंगा या मीटर या कोई भी और टूल लगाऊंगा तो ये नहीं पकड़ेगा। तो ये था दोस्तों हमारा कन्वर्ट टू शीट मेटल का। अब है हमारा लॉफ्टेड बैंड। लॉफ्टेड बैंड इज सिंपल, जो हमने फीचर्स में किया था कि स्केच के ऊपर स्केच बन के लॉफ्टेड बैंड लॉफ्ट बनता है, ऐसी लॉफ्टेड बैंड होता है। ये बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, जो टेपर शेल होते हैं, वेसल्स होती हैं, वो बनाने के लिए काम आता है। इस पर एक चीज़ अब हमेशा याद रखना कि जब हम स्केच बनाएंगे प्लेन के ऊपर तो उसका जो उसके बीच में कुछ मार्जिन होना चाहिए। वो मार्जिन कैसे देंगे मैं बताता हूँ आपको। लाइक मैं आपको एक टेपर वेसल बना के दिखाता हूँ, जो बाद में क्या होती है, जिसका जो ज्वाइंट होता है वो वेल्ड करके फिलअप किया जाता है। तो यहां मैंने ओके किया। अब मैंने यहां 2 स्केच बनाऊंगा। से 500 के मिड पॉइंट पे आ गया। अब यहां से मैंने इसको ट्रिम आउट कर दिया। आप देख सकते हैं मेरा गैप आ गया। अब स्केच मैंने बंद किया। नेक्स्ट मैं अब ले गया ऊपर, बेसिकली इट्स लुकिंग लाइक अ सर्कल। सो अब इसके ऊपर मैं एक ले गया और, तो ये तो मेरा एक परपेंडिकुलर प्लेन आ गया, हमें तो उसके पैरेलल चाहिए। तो यहाँ से प्लेन लेके से 110 mm की हाइट पे ले लिया। आई थिंक इट्स टू शॉर्ट, से हम इसको 500 mm लेते हैं। पे एक और बना लिया, लेकिन इससे थोड़ा छोटा क्योंकि हमने इसको टेपर में कन्वर्ट करना है। मैं इसकी प्रोजेक्शन ले रहा हूँ ताकि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ से ये भी हो गया।
तो ये देखिए, ये हम मैंने एक बना लिया। अब मैं इसके ऊपर लॉफ्टेड बैंड लगाने जाऊंगा दो। आप ये देख सकते हैं मेरी ये प्रोफाइल यहाँ बन गई है। इसके बीच का हम गैप थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो आजकल की हर एक मैकेनिकल इंडस्ट्री में ये जो शीट मेटल का मॉड्यूल है सबसे ज़्यादा यूसेज में है। आप ये देख सकते हैं यहाँ एक मैंने ट्यूब जनरेट कर ली है, बेसिकली टेपर्ड वेसल। तो अब क्या करेंगे, अब इसका फ्लैटन भी चेक करना है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली रोलिंग मशीन से निकला हुआ पार्ट है। तो फ्लैटन पे किया, फ्लैटन भी उसका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके इसका हमें ब्लैंक साइज दे देगा कि एक्चुअल में ये पार्ट पहले कैसा था बिफोर बेंडिंग। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा पार्ट ऐसे था पहला, ये देखिए। फिर जब मैंने इस पर फ्लैटन हट का हटाया तो ये ऐसे बन गया। दिस इज़ द रियल एप्लीकेशन। एंड ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमारा कैलकुलेशन वर्क जो है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एच फ्लैंज। एच फ्लैंज क्या होती है, जैसे कोई प्लेट है, मैंने एक प्लेट डिज़ाइन करी, उसकी एच पकड़ के मैं एक बैंड उस पर लिफ्ट कर दूंगा। जैसे आई एम क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल प्लेट, शीट मेटल में जाके बेस फ्लेंच किया एंड यहाँ से एच फ्लेंच पिकअप कर लिया हमने। एच फ्लेंच एच पे पकड़ा और आप देख सकते हैं किसी भी हाइट पे इसको लेके जा सकते हैं, अप डाउन। एंगुलर इसका बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री रहता है, इसको चेंज कर सकते हैं से 45 डिग्री पे। तो जैसे आपने लेके जाना है इसको आप लेके जा सकते हैं। से मैंने इसको ऐसे ले गया। ये सारी इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ब्लैंड, दिस इज फ्लेंज पोजिशन, कस्टम बैंड अलाउंस जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से ओके किया और आपका ये बैंड जनरेट हो गया। ये आप देख सकते हैं ये हमारा एक्चुअल निशान होता है, या हमारा बेसिकली एक डेंट होता है जो हमारा पंच के थ्रू बैठता है। तो दिस इज़ द एच फ्लेंज एंड मीटर फ्लेंज। मीटर फ्लेंज बेसिकली क्या होती है, जो हमारी स्केच बेस्ड होती है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्पेशल स्केच बनाया। कई बार क्या होता है कि ऐसी कोई स्पेशल बेंडिंग होती है जो नॉर्मल इसमें नहीं पिकअप हो सकती। तो यहाँ पर स्केच बना के से मैं इसके रिवर्स साइड में बनाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरी एच फ्लेंज होगी, सॉरी मैंने स्केच ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर मीटर फ्लेंज लगाऊंगा। स्केच मैंने बंद किया, मीटर फ्लेंज किया और इसको पकड़ लिया। ये आप देख सकते हैं उसी ही स्केच के थ्रू मेरी प्रोफाइल यहाँ जनरेट हो गई। इट्स सो सिंपल। ये आप देखिए, अब ऐसी क्रिटिकल बेंडिंग है तो इसका जो फ्लैटन व्यू निकालने, अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन रिड्यूस करनी है क्योंकि इंजीनियरिंग मेथड्स हैं, प्रोडक्टिविटी हमें एनहांस करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने इसको प्लेन को हाइड कर दिया। अब ये देखिए ये मेरी बेंडिंग पार्ट है। सिंपली मैंने यहाँ पे फ्लैटन किया एंड विद इन अ सेकेंड मुझे इसने सारा फ्लैटन व्यू, डेवलपमेंट व्यू निकाल के दे दिया।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारी आज की सेशन में वीडियो, एंड होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी आपके डाउट्स हो हमसे फ्री टू आस्क पूछिए, एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, डैट इज़ EMA टेक्नोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।